जय जिनेंद्र, मैं हूँ भरत जैन। शेषपुर से शिविर का 14 दिन भी हुआ खत्म। अभिषेक के साथ में हुई दिन की शुरुआत। सोदर महेंद्र पन्ने का लाभ उठाया कीर्ति जैन, डिंपल जैन और भाविका जैन ने। सोनलाल जी वृद्धावत, मैना देवी भगवती लाल जी बरछा ने भी लगाई बोली सोदर महेंद्र की। पूजन के दौरान भक्तिमय हुए बच्चे और कार्यकर्ता। बच्चों की क्लास में पहुंचा जैन दर्शन। वहां पर की क्लास में बच्चों से बात और पूछे कुछ सवाल। अभी है हम यहाँ पर तृतीय भाग में। यहाँ पर एक क्लास चल रही है, सब बच्चे बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वो एग्जैक्टली यहाँ पर क्लास में क्या सीख रहे हैं। 3 दिन हो गए बच्चों। ओके, तो 3 दिन में आप लोगों ने क्या क्या सीखा यहाँ पर? तो कुछ सवाल पूछेंगे तो आप बताओगे? अरिहंत परमेश जी किसे कहते हैं? जो विद्रा की सर्वज्ञ होते, 4 अद्य कर्मों का नाश करते और 18 दोषों से रहित होते, वो अरिहंत परमेश जी होते। ध्यान किसे कहते हैं? कार्यकर्ताओं की क्लास में भी पहुंचा जैन दर्शन। वहां पर भी हुए कुछ सवाल कुछ जवाब। यहां पर जैसे बच्चे आए हुए हैं तो बच्चों की तो क्लास लगती ही है, साथ साथ में जितने वॉलंटियर्स और कार्यकर्ता हैं उनकी भी क्लास ली जाती है, उनको भी पढ़ाया जाता है। क्योंकि वो बच्चे भी और वो बड़े भी अपने बिजनेस में इतने बिजी हो गए, अपने रूटीन के जो काम काज है उसमें इतने बिजी है कि वो अपनी जैन धर्म की जो पढ़ाई होती है उससे रिलेटेड जो संस्कृति है हमारी वो उनको पता नहीं है। इसलिए जो हमारे पंडित जी राकेश जी शास्त्री हैं उन्होंने इस चीज का बीड़ा उठाया है और जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी क्लास लेते हैं। तो चलिए हम वहां पर जाकर देखते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो क्या पढ़ रहे हैं और उनको पंडित जी कैसे पढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो क्लास चल रही है वो कार्यकर्ताओं की क्लास चल रही है। आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता किस तरह से जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और जो हमारे पंडित जी हैं वो भी बच्चों को और हमारे इन कार्यकर्ताओं को अच्छे से। पंडित जी, हम यहाँ पर कुछ आपके जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। एग्जैक्टली सवाल आप पूछेंगे लेकिन हम उनको रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। अच्छा आंसर है। आगम हम नए कार्यक्रम में बच्चों ने दिखाया उत्साह। बने ज्ञान के पुजार, हिंसा पाप तज कर, सत्य के रास्ते पे चले हम। प्रवचन में गुरु माँ ने बताया पाप और पुण्य में महत्व। और आप बहुत संतों से समझते हुए आ रहे हैं कि पुण्य और पाप क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है ज्वलन कि पुण्य किसे कहते हैं। ज्वलन खेल कूद से ज्यादा बच्चों में जिज्ञासा समाधान में रुचि ज्यादा। प्रवचन के दौरान गुरु माँ ने सुनाया भक्ति संगीत। आरती में दिखा गजब का उत्साह।
का गरबा नृत्य। अदिति जैन का शानदार प्रदर्शन। आज के न्यूज में बस इतना ही। कल हम वापस मिलेंगे इसी समय इसी वक्त पर। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।